हल्दी अरबी जैसी सब्जियों की खेती से कैसे कमाई की जा सकती है, ये तो गिरिडीह के दशरथ मंडल से सीखा जा सकता है, जहां किसानों ने ज्यादा लागत रखरखाव की वजह से फल सब्जियों को बोने से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन धीरे धीरे किसान ऑर्गेनिक खेती कर कम लागत के माध्यम से ही इन सब्जियों का उत्पादन करने लगे हैं। इससे यहां के किसानों को भी अब पहले से बेहतर दाम मिलने लगा है। दशरथ मंडल बताते हैं कि पेड़ों के बीच बेकार पड़ी हुई इस जमीन में खेती करना मुश्किल था। पहले अपने पिताजी के साथ काम किया और उनसे ही प्रेरणा लेकर खेती शुरू की। कम उम्र में ही खेती संभालना शुरू कर दिया था। इन पेड़ों के बीच छांव के कारण कोई फसल नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ हल्दी और कोच यानी की अरबी की फसल उगाने का निर्णय लिया और आज ये हमारी आय का बड़ा साधन है। हम लोग का जो पेड़ पौधा रहता है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है, उसके नीचे छाया में कुछ नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम लोग कच्चू और हल्दी का खेती करते हैं, जो कि जो हम लोगों को ये अभी पिछले बार हम 80 किलो इसका 80 किलो से एक क्विंटल का हल्दी का उत्पादन करके बेचे भी, और इसको अपने घर में जो हम लोग करते हैं अपने घर में यही हल्दी का सेवन करते हैं। दशरथ आगे बताते हैं कि हम इस खेती में रासायनिक की जगह जैविक खादों को डालते हैं। घर में गाय है, उसका गोबर यूज करते हैं। खेतों के बगल में ही वर्मी पोस्ट बना रखी है। जो हम लोग खेती करते हैं उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक ही काम करते हैं, क्योंकि जो घर में जो गाय है उसे गोबर निकलता है, बाकी हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना के सिर्फ ऑर्गेनिक का ही जितने भी खेती कर रहे हैं हम लोग, यूरिया और डीएपी नहीं डालते हैं, ये सारा ऑर्गेनिक ही डालते हैं। ये हमको शिक्षा कहाँ से मिला, पहले हम जानते भी नहीं थे, ये एकल में जुड़ने के बाद हमें सिर्फ प्रशिक्षण मिला, ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र से प्रशिक्षण मिला। पीछे मेरा सारा गोबर का बेड बना हुआ है, वहीं से सारा उठाते हैं। अभी भी मेरे यहाँ पे भी 5 ट्रैक्टर ऑर्गेनिक बेड में, मतलब ऑर्गेनिक खाद रखा हुआ है, तो हम लोग उसी को बारी में डालते हैं, खेत में डालते हैं और उसी से उग जाते हैं। आधुनिकता के इस दौर में कृषि के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग किसानों की समृद्धि का रास्ता खोल रहे हैं। एकल अभियान भी किसानों के प्रयास के साथ हाथ मिलाकर उनको संबल दे रहा है। एकल से जुड़ने के बाद झारखंड के कई किसान रासायनिक खादों का प्रयोग छोड़ जैविक खेती की ओर रुख कर चुके हैं। दशरथ भी उन्हीं में से एक हैं। दशरथ एकल अभियान से 2005 से जुड़े हैं और अपनी सफलता का श्रेय भी एकल को देते हैं। पहले मेरे पिताजी जो करते थे वो यूरिया और डीएपी भी डालते थे। जब मैंने एकल में ज्वाइनिंग किया और एकल से जब हमको प्रशिक्षण मिला, तब से ये जैविक खाद का उपयोग करने लगे, तब से बहुत अच्छा, ये जमीन भी अच्छा है और उपजाऊ भी ठीक हो गया है, क्योंकि पहले से अच्छा हो गया है। अभी पानी का भी बहुत ज़्यादा ये नहीं मांगता है, क्योंकि उसमें नमी ऑलरेडी रहता है और उपजाऊ कीटाणु भी वहाँ पे रहता है, मरने नहीं देता है, इसीलिए हम लोग डीएपी और यूरिया को हटा दिए, साइड कर दिए और ऑर्गेनिक यानी गोबर से ही पूरा खेती करने लगे। दशरथ मंडल अपनी पूरी जमीन पर जैविक खेती करते हैं। हल्दी, भिंडी, कोच जैसी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ साथ दशरथ मंडल अगल बगल के गांव वालों को भी जैविक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लगातार वो इस काम को करते जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ और लोग भी इस दिशा की ओर अग्रसर हुए हैं। एकल का भी यही प्रयास है कि किसान सशक्त हों, पारंपरिक खेती छोड़ जैविक खेती पर ध्यान दें।